इसलिए इन लोगों के चक्कर में कहीं आने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सब लोग हर कदम पर आप लोगों से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ थे, हैं और भविष्य में आप लोगों के रहेंगे। अभी कार्यक्रम आप लोग जरूर करें, वहां कोई सहयोग की जरूरत है तो आप लोग हम लोगों को बताएं, क्योंकि ऐसा कोई मंदिर ऐसा कोई स्थान वहां नहीं हो कि वहां अपन दीप नहीं हो, दीप नहीं जले, प्रज्वलित नहीं हो, या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो। ज्यादा उस कार्यक्रम में 22 तारीख कार्यक्रम को आप सफल करें। उसके अलावा आप वार्डों में सक्रिय रहें, दूसरी जगह सक्रिय रहें, और जो जो लोग भी हैं जो रास्ता भटक गए हैं और रास्ता उनको भी सही दिशा में लाने का काम भी आप लोग करें, क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं, उनको भटकाने का काम बहुत से लोगों ने किया है। क्योंकि उन लोगों का यह कहना था कि भी चुनाव चंद्रबान जी तो नहीं जीतेंगे, तो मैं तो चुनाव लड़े नहीं, मैं क्या जीता, चुनाव तो यहाँ की जनता ने लड़ा है। इसलिए बहुत से लोगों ने इस प्रकार के भाषण दिए थे, इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, चुनाव भी आप लोग जीते हैं, आप लोगों ने लड़ा, ये छटनी भी इस चुनाव में हो गई, क्योंकि बहुत से लोग थे उनका मदद करने में काम करने में मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी, हर कदम उनके साथ खड़ा रहा। पर जो लोग अवसरवादी होते हैं वो अवसरवादी कहीं कहीं चले गए, पर उन अवसरवादी को कभी न कभी ये दिन जरूर याद आएंगे कि कौन सच्चे थे, कौन अच्छे थे। इसलिए उन अवसरवादियों को भी कहना चाहता हूं कि समय जो घड़ी है वो रुकने वाली नहीं है, ये घड़ी किसी से रुकेगी नहीं, और ये बारात है, कोई रोके रुकने वाली नहीं है, ये बारात कहीं आने जाने वाली भी नहीं है, बहुत स्वाभिमान के लोग हैं। इसलिए आप लोगों के कहने से नहीं तो आएंगे नहीं, कहा जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने काफी चुनाव लड़े हैं और काफी चुनाव लड़ाए हैं, और भी आने वाले दिनों में शहर के और भी कार्यक्रम होने वाले हैं, उन कार्यक्रम में भी आप सब लोगों की सहभागिता अच्छी रहे। उसके अलावा जहां जहां भी ऐसे कोई ट्रांसफर वाले या ऐसे कोई अपने परिवार के रिश्तेदारों के ऐसे कोई भी काम हो, उन कामों को भी आप लोग विधिवत करें, छटनी करें, आने वाले उन कार्यक्रमों को भी हम विधिवत करवाएंगे, बात बढ़ाएंगे। इसलिए जहां जहां भी जो काम है उन कामों के बारे में भी आप चर्चा करें, कहीं पे भी ऐसा कोई काम नहीं हो कि उसको हम नहीं करें। जब इन पार्षद वर्तमान पार्षद है वो भी नगर पालिका के बारे में चिंता करें, जब भी आपके सुशील जी मिश्रा भाई, अनिल जी वगैरह, बोल जी, ये सब भाई, भोलाराम जी, सुभाष चौक पर जो कार्यक्रम रखा है उसमें भी भाई भोलाराम जी अकेले कार्यक्रम नहीं करे, उस कार्यक्रम को आप सब लोग मिलकर करें। इसलिए जिम्मेदारी आप सब लोगों की है, ये नहीं जिम्मेदारी सुशील जी की हो गई, सुरेश जी की हो गई, कर्ण भाई हो गई, अनिल जी की हो गई, इनकी नहीं, ये तो नाम मात्र के उसके संयोजक है, पर उसमें आप सब लोगों को उस कार्यक्रम की चिंता करनी है, वो कार्यक्रम अच्छा हो, अच्छे दीप प्रज्वलित हो और वहां अच्छी आतिशबाजी हो, उसमें प्रत्येक जो मेरी मातृशक्ति बेटी है वहां अच्छी रंगोली बने, अच्छा कार्यक्रम हो, उसके लिए भी आप सब लोगों का सहयोग अच्छा रहे। और उसके अलावा अपनी मंडल की बैठक हर महीने हम काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर भगवान सांवरे सेठ और माता जी उन्होंने व्रत उपवास 11 समाओं पूनम जो कर सकते हैं वो सब लोग उन्होंने किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने 10-10 11 भी बोली है कि मैं 11 की उपवास करूंगी कि मेरे भाई साहब जीत जाए। इस प्रकार की लोगों ने मन्नत मानी है, मैं उन बहनों को भी धन्यवाद दूं, उन भाइयों को भी धन्यवाद दूं, और बहुत से लोगों ने लोटरी यात्रा भी करी है, इतनी लोटरी यात्रा करी कम से कम विधानसभा में 40 से 42 लोगों ने लोटरी यात्रा भी करी है, कभी कोई कालका माता जी ने करी, कोई सांवरे सेठ की करी, कोई वही सांवरे सेठ की करी है, कोई जादला माता करी है, तो उन लोगों को भी धन्यवाद दूं, और शहर के सब लोगों को, व्यापारियों को भी धन्यवाद दूं। मेरा तो आप सब लोगों से विनती है, क्योंकि इस चुनाव को आपकी जनसहभागिता पूरी रहे, पूर्व पार्षदों की जनसहभागिता भी रहे, और उसमें जहां जहां भी छोटे मोटे काम है आए दिन उन कार्यक्रमों को अच्छा विधिवत करें। उसके अलावा अपन फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह वगैरह वो भी आजकल आपके ठंडे चल रहे हैं, वो पहले जैसे नहीं चल रहे,
सही है ना, तो उनको भी कहेंगे मिट्टी जम गई होंगी, महीने डेढ़ में ना हो गया, तो वो भी आप लोग विधिवत चलाए, विधिवत करें। और उसके अलावा कोई किसी कार्यक्रम में आपको सूचना देने से रह गया हो तो उसको मन पे नहीं लें कि यार मेरे को नहीं बुलाया, मैंने इतना दौड़ा, इतना किया, मैं नहीं आ पाया, वो नहीं आ पाया, तो उसको भी आप ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई बात को अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि सब आ रही है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, आज जो बात करनी नहीं चाहिए इस मंच पर, क्योंकि सूर्य जी, सुशील जी सब बेटे कर्नल बना मेरे को, आपको ये बात करनी नहीं चाहिए, पर मैं बात कर ही दूं क्योंकि मेरे मन में छोटी मोटी खुन्नस है, इसीलिए कर दूं, क्योंकि इन लोगों के मन में यह बात थी कि जाड़ावती जीत जाए कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा जी नहीं जीतने चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी की। मैं सारे शेर की सामने इस में हाथ लगा के कह रहा हूं, ईमानदारी की बात कह रहा हूं, पर 5-7-10 वोट और आते इन लोगों ने कि भाई राष्ट्र में चंद्रमा जी नहीं जीत जाए, इसलिए इन लोगों ने बीजेपी के वोट कांग्रेस से दिलवाए। इससे बड़ी चीज भी हो नहीं सकती है, और उसका प्रूफ भी मांगे थे मेरे पास है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज की काफी जानकारी होगी। पर लोकसभा चुनाव में हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, और जिसके साथ रहेंगे और ताकत से रहेंगे, या जो भी फैसला करेंगे कदम पे, मैं आप सब लोगों के साथ, और ये जो पूरी टीम बैठी है वो पूरी टीम तन मन धन से आप लोगों के साथ थी, अभी भी है, और भविष्य में भी आप लोगों की रहेगी। इसलिए आप कहीं पे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आगे क्या क्या करना है इसलिए हम सब मिलकर कर रहे हैं, और भगवान सांवरे सेठ बहुत अच्छा करेगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव भी सांवरे सेठ ने लड़ाया, और अभी भी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी सांवरे सेठ थे, और अभी भविष्य में भी सांवरे सेठ ही रहेंगे। इसलिए मैंने तो मेरी जिंदगी में सांवरे सेठ से जो मांगा वो सांवरे सेठ ने दिया है, इसलिए मैं तो आज भी सांवरे सेठ से मांगता हूँ कि मेरे इन सब लोगों को अच्छा खुश रखे, अच्छे काम हो, और हम अच्छा काम, अच्छी दिशा में हम लोग काम करें, ऐसा सांवरे सेठ हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे, अच्छा काम करने की सद्बुद्धि दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आने वाले दिनों में 22 तारीख का कार्यक्रम भी अच्छा हो, और अगले जो भी मंडल की बैठकें हो, अगला कार्यक्रम जो हो उसमें आप सब लोगों की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा रहे, और आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे, इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।